नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। छपरा शराब कांड पर अब जो है वो हल्ला मचा हुआ है। NHRC की टीम बिहार पहुंची है। पहले एक टीम पहुंची थी और आज DG जो है मानवाधिकार के अनुसंधान के मनोज यादव और मेंबर राजीव जैन जो सीनियर मोस्ट यहाँ मेंबर हैं मानवाधिकार आयोग के, वो पटना पहुंचे तो सियासत और भी ज़्यादा तेज हो गई। CM नीतीश कुमार का भी इस मसले पर बयान आया और उन्होंने सीधे सीधे कानून का पाठ पढ़ा दिया। क्या कुछ कहा CM नीतीश कुमार ने, पहले ये सुनवा देते हैं आपको। जरा संविधान को जान लीजिए, एक एक चीज़ को जान लीजिए। ये जो शराबबंदी लागू है वो किसका अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, राज्यों को है, उसको करके ही काम किया जा रहा है। इस सब का कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, घूम रहे हैं, तो जहाँ दूसरी तरफ जो मरे हैं लोग उनके लिए कभी गए हैं किसी भी राज्य में? यही खाली घटना घटा है। ये बराबरी देखिए ना, यहाँ तो सबसे कम घटा है और अभी घट रहे थे। हम लोगों को तो दुखी है कि चीज़ की जाँच करा रहे हैं कि कौन गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और लोगों को सुझाव देने का भी उपाय किया जा रहा है। और जो लोग भी हो रहा है, तो जिसका शराब पी करके लोग मरा है उसी से तो वसूली करा करके उसको देने का हम लोगों ने प्रोविजन बनाए हुए। तो सुन लिया आपने कि CM नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि कानून क्या कहता है पहले ये पढ़ना होगा, और NHRC की टीम आई है यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राज्यों का अधिकार है, शराबबंदी कानून जो लागू की गई है वो राज्यों के अधिकार में आता है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का कोई मतलब नहीं बनता है, कानून को पढ़ लेना चाहिए। तो यानी अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार को उन्होंने हमला बोला। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस NHRC की जो टीम पहुंची है छपरा में जाकर उसने कल जायजा भी लिया था। दरअसल टीम एक पहले से पहुंची हुई है और छपरा में तमाम मामले की जो जानकारी ले रही है, और आज जो सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं वो इनपुट लेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के को। तो ऐसे में सियासत निश्चित तौर पर ज़्यादा ही उछाल पर है, उबाल पर है बिहार की। और CM नीतीश कुमार के बयान के पहले और भी जो मंत्री हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, श्रवण कुमार और मंत्री सुनील कुमार हैं, और शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस मसले पर अपनी राय दी है और साफ तौर पर कहा है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए आप। बिहार में कोई कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति को, जैसा कि माननीय सुनील बाबू ने बताया कि जो भारत का जो कानून है, किसी व्यक्ति को भूखे रह के मरने का भी इजाज़त नहीं है कानून में। कोई किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने का भी कानून में प्रोविजन नहीं है। जब शराब बंद है, अब आप जान रहे हैं कि ये शराब बंदी आप पी रहे हैं, तो आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं तो कानून तो कहता है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी बातों को स्पष्ट कर दिया था और हमारा स्टैंड वही है जो कल था। हमारा स्टैंड यही है कि NHRC को प्राइमरली जो मुख्यतः जो मुद्दे होते हैं उन्हें, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या स्कोप ऑफ वर्क है, या उसमें जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है वो मामले वो देखते हैं अमूमन। लेकिन हमने पहले भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताया कि जहाँ शराबबंदी है गुजरात में, वहाँ भी इस साल भी मौतें हुई हैं, और जहाँ शराबबंदी नहीं है, जैसे कि 2016 से 22 का आंकड़ा ले लिया जाए NCRB का, तो कर्नाटक में 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, हरियाणा में मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं, पंजाब में हुई हैं। तो अगर NHRC को एक रूपता रखनी है तो उन्हें तो सभी जगहों पर जाना चाहिए। और अगर सामूहिक मौतों की बात है तो गुजरात में मोरबी में आप जानते हैं कि करीब करीब 150 लोगों की मौतें हुई, जहां कुल
सरकार के द्वारा निविदा जो किया गया था और टूट गया, तो सामूहिक मौतों का अगर प्रश्न था तो सभी जगह जाना चाहिए था, या शराबबंदी की बात थी तो वैसे जगह भी गुजरात भी जाना चाहिए जहाँ शराबबंदी है और मौतें हुई, वैसे जगह भी जाना चाहिए, शराबबंदी नहीं है और हज़ारों की और सैकड़ों की तादाद में लोग मरे, तो एक रूपता हम समझते हैं कि ये नहीं है। तो सुना आपने कि जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की तरफ NHRC जो की टीम जो पहुंची है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर शराबबंदी कानून लागू है, शराबबंदी कानून के तहत अगर कोई गलती होगी, अगर कोई जहरीली शराब पिएगा तो उसकी मौत होती है, तो ऐसे में ये मामला मानवाधिकार का कहीं से नहीं बनता है। हालांकि इस मसले पर BJP की अलग राय है और BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने सरकार को घेर लिया और कहा है कि NHRC की टीम ने बिल्कुल सही किया। क्या कुछ कहना है संजय जायसवाल, ये भी सुन लीजिए। 38 मौतों का सरकारी डाटा है जबकि दरअसल 100 से ज़्यादा मौतें हुई और हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता कि अगर जहरीली शराब से मौत हो तो उस मौत के आंकड़े को छुपाया जाए, जिन बेचारों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को धमकी दिया जाए कि अगर तुम यह बात बताओगे तो तुम लोग पूरे परिवार को जेल भेज देंगे, और इसीलिए मानवाधिकार आयोग को आना यहाँ पड़ा है। मुआवजा हर हालत में सरकार को देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। सुन लिया आपने कि संजय जायसवाल ने कहा कि NHRC की टीम ने स्वतः संज्ञान लिया है, वैसे में अगर टीम दौरा कर रही है और मामले की जानकारी ले रही है तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है। तो NHRC की टीम बिहार पहुंची है और सियासत बिहार से लेकर दिल्ली तक गर्म हो चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या।